जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। श्री गंगानगर के गांव चूनावड में सरकारी अस्पताल में एक चपरासी के भरोसे चल रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की जिंदगी के साथ हो रहा है खिलवाड़। आज अस्पताल में मरीजों को दवाइयां अस्पताल का ही एक फोर्थ क्लास कर्मचारी वार्ड बॉय रोगियों को दवाइयां वितरण कर रहा है, जो मरीजों की जिंदगी के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट हनी कुमार सेन कर्मचारी, जो कि 15 दिनों के अवकाश पर गया हुआ है, तभी से अस्पताल की व्यवस्था लड़खड़ा गई है, क्योंकि उसकी जगह अस्पताल की फोर्थ क्लास के कर्मचारी को दवाइयां वितरण करने वाली खिड़की पर बैठा कर मरीजों को दवाइयां वितरण कर रहा है। भोले भाले मरीजों को अगर गलत दवाइयां दी जाती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको बता दें कि इस अस्पताल के यह हालात हैं कि अगर फार्मासिस्ट लंबी छुट्टी पर चला जाए तो यहाँ के हालात इतने नाजुक हो जाते हैं कि यहाँ के रोगियों की ज़िंदगी के साथ मजाक किया जा रहा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। इस मौके पर जब रोगियों से बिना फार्मासिस्ट की दवाइयाँ वितरण करने को लेकर पूछा गया तो रोगियों ने फार्मासिस्ट के अभाव के कारण दवाइयाँ वितरण करने पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस अवस्था को लेकर ग्रामीण साईदास सुनील कुमार, ग्रामीणों ने प्रशासन से, ग्रामीणों ने प्रशासन से इस व्यवस्था को लेकर सुचारू रूप से व्यवस्था को बनाने की मांग की है। अनूपगढ़ से डीएल सारस्वत की रिपोर्ट।